कर दिए। देखो इतना ज़्यादा नहीं करना है, ताकि ऐसा नहीं करना है कि अलग से दिखे कि आपका फेस में आपने कुछ किया है। आपको ऐसे करना है कि वो नेचुरल दिखे। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी फोटोज़ में अपने फेस को रिटच कर सकते हो एक प्रोफेशनल फोटो एडिटर की तरह अपने मोबाइल फोन के साथ। तो अगर आप जानना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइस, प्रथम ये वेलकम टू द सोशल बीइंग। अगर चैनल पर नए हो तो इस चैनल पर हम लोग बात करते हैं सोशल मीडिया ग्रोथ के बारे में, फोटोग्राफी के बारे में, एंड ऑनलाइन पैसे कैसे कमाना है इसके बारे में। तो अगर आप इनमें किसी भी टॉपिक में इंटरेस्टेड हो, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। एंड आई नो कि सेटअप मेरा डेली के सेटअप से थोड़ा डिफरेंट है, तो मुझे ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। आई थॉट कि आप लोग शायद वही साइकिल वाला सेटअप देख देख के बोर हो गए होंगे, तो थोड़ा सा एक टाइप का सेटअप बना लेते हैं एंड इस पर बैठ के बात करते हैं। वो मेरे रूम का सेटअप है एंड ये रूम के बाहर का है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कैसा लग रहा है ये। और बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आप लोगों को करके दिखाने वाला हूँ कि मैं अपनी फ़ोटोज़ को कैसे एडिट करता हूँ, मतलब मैं अपने फेस को कैसे रिटच करता हूँ। तो इसमें हम लोग जिस ऐप का यूज़ करने वाले हैं वो होने वाला है स्नैपसीड। देखो दो ही ऐप हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने पिक्चर्स को एडिट करने के लिए। पहला है लाइटरूम, दूसरा है स्नैपसीड। लाइटरूम से मैंने एक ट्यूटोरियल ज़रूर बना रखा है इसके पहले, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में आ जाएगा, यहाँ पे जाके देख सकते हो। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं फेस रिटच के बारे में। तो अब चलते हैं हमारी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मेरी फ़ोन की स्क्रीन आ रही होगी, आप देख सकते हो। एंड हम लोग इस पिक्चर को एडिट करने वाले हैं। इस पिक्चर को मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे पहले अपलोड कर चुका है। देखो इस पिक्चर में मेरे को ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हैं फोरहेड पे एंड फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली है। लेकिन जब हम लोग इसको रिटच कर देंगे उसके बाद आप देखना काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस दिखेंगे। मैंने इस पिक्चर को ऑलरेडी इंस्टाग्राम में अपलोड कर चुका है। ये है मेरा इंस्टाग्राम एंड ये रही वो पिक्चर। देखो इसमें फेस एकदम क्लियर है। तो मैं आपको यही पिक्चर को रिटच करके दिखाने वाला हूँ स्नैपसीड से। और ये है मेरा इंस्टाग्राम, अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपके कोई भी क्वेश्चन हैं, अगर आपको कुछ मुझसे पर्सनली पूछना है तो आप यहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हो। थोड़ा लेट रिप्लाई आता है सॉरी, बट करता हूँ। तो अब चलते हैं पिक्चर को एडिट करने की तरफ। ये वाली पिक्चर को हमने क्या किया, शेयर करेंगे हम इसको स्नैपसीड पे। स्नैपसीड पे मैंने शेयर कर दिया पिक्चर को। हमें फेस रिटच करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो फेस में ये पिंपल्स देख रहे हैं इसको हटाएंगे। कैसे हटाना है, टूल सेक्शन में गए। टूल्स में जब हम लोग नीचे जाते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है एक ऑप्शन हीलिंग का। ये वाला एक ऑप्शन है देखो हीलिंग का, थर्ड का थर्ड मतलब ऊपर से तीसरा एंड इधर से तीसरा हीलिंग करके होगा। इसको क्लिक किया हमने एंड हमें जिसको भी हटाना है हमें जूम करना होगा। और जैसे मुझे ये पिंपल को हटाना है मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये ऑटोमेटिक उसको हटा देगा। ये हील करते जा रहा है, ये बहुत इजी है, इसलिए मैंने बोला कोई भी इसको एडिट कर सकता है। आपको अगर बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं आती तो भी आप आराम से फेस रिटच कर सकते हो। मुझे जो जो पार्ट मुझे हटाना है, जो जो मुझे लग रहा है कि यार सही नहीं दिख रहा, उसमें बस क्लिक करते जाऊंगा, वो ऑटोमेटिक उसको रिमूव करते जाएगा। ये हटा दिया मैंने, ये मैंने लगभग जो जो पिंपल्स थे, जो जो थोड़ा बहुत मार्क्स थे उसको मैंने हटा दिया है। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा फेस को स्मूथ करूँगा। अभी क्या है, स्मूथ नहीं दिख रहा, अभी हल्के हल्के से कुछ कुछ निशान दिख रहे हैं, कुछ कुछ दाग टाइप के दिख रहे हैं, तो उसको मुझे अब रिमूव करना है। मैं कैसे रिमूव करूँगा, ये मैंने इसको यहाँ पे टिक किया, मैं जाता हूँ टूल्स पे। टूल्स पे यहाँ पे जाना है मुझे अब लेंस ब्लर पे। लेंस ब्लर पे गया मैं एंड मैंने इसको एकदम छोटा कर दिया, ट्रांजिशन बिल्कुल कम, और ये विजन नाइट स्ट्रेंथ को भी बिल्कुल कम कर दिया मैंने एंड इसको साइड में कर दिया। ये पिक्चर ब्लर हो गई है एंड मैंने इसको टिक कर दिया। अभी पूरी पिक्चर ब्लर हो चुकी है, बट हमें क्या करना है, हमें सिर्फ अपने फेस का पार्ट ब्लर करना है, जो जो पार्ट में जो मार्क्स हैं उसको हटाने के लिए उसे ब्लर करना है। तो ये ऊपर पे ये वाला ऑप्शन में हमें क्लिक करेंगे और यहाँ व्यू एडिट्स का ऑप्शन आता है, और अपन जब व्यू एडिट्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है लेंस ब्लर का। अभी जो हमने ब्लर किया हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ड्रॉ करके लिखा हुआ है, ड्रॉ में मैंने क्लिक किया। अब मुझे जितने पार्ट को ब्लर करना है मैं अपने अकॉर्डिंग कर सकता हूँ एंड कितना ब्लर मैं चाहता हूँ मैं वो भी कर सकता हूँ। जैसे मेरे जो ये ब्लर करना है, बट ये देखो ब्लर हो रहा है, तो अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं इसको पूरा ज़ीरो कर दूंगा एंड मैं इसे रिमूव भी कर सकता हूँ। तो मुझे जो पार्ट को ब्लर करना है मैं उस पार्ट को ब्लर करूँगा। इसको अपन 50 रख लेते हैं, 50 रख लिया मैंने। और अब अपन इसको ब्लर करना स्टार्ट करते हैं, अपने फेस के जो पार्ट को मुझे छुपाना है उसको, जिस पार्ट को मुझे स्मूद करना है। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, सिर्फ आपको अगर फ़ोन से एडिट करना है, बिल्कुल भी आपको कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना है तो आप आराम से एडिट कर सकते हो। एंड स्नैपसीड आपकी पिक्चर की क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं खाता,
मतलब आपकी पिक्चर अब जैसी थी वैसी की वैसी ही रहेगी एडिटिंग के बाद भी। आप देख पा रहे हो कि पिक्चर पहले से काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है मेरा फेस। नेक वाले एरिया को मैं सोच रहा हूँ वैसे ही रहने देता हूँ, थोड़ा सा बस कर दिया मैंने एडिट। और ये जब ये आई वाला ऑप्शन है, जब मैं इसमें क्लिक करूँगा तो ये दिखाता है कि आपने कितने पार्ट पे यूज़ किया है उसको। वो रेड कलर का मतलब मैंने उतने पार्ट पे इस चीज़ को यूज़ किया है, इस टूल को यूज़ किया है। जैसे आईज़ पे चला गया तो मैं यहाँ से जाके इसको ज़ीरो करके रब कर सकता हूँ, ये मैंने रब कर दिया। और यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहाँ पे रब कर दिया और ये आई हटाया। देखो फेस स्मूथ हो गया, इसको मैंने टिक कर दिया। देखो यहाँ पे क्लिक करके दिखा रहा हूँ, देखो पहले बिफोर आफ्टर आप खुद ही देख सकते हो, पिंपल्स हैं, पहले फेस में थोड़ा मार्क्स दिख रहे हैं, अब बिल्कुल भी कुछ मार्क्स नहीं दिख रहे। अब क्या करना है, अब इसमें एक ऑप्शन हमें मिलता है पोर्ट्रेट का, ठीक है। पोर्ट्रेट में इसमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं, एक मिलता है फेस स्पॉटलाइट जिससे आप अपनी फेस की ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो, ये देखो ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। एक हमें ऑप्शन मिलता है स्किन स्मूदनिंग का जिससे आप अपनी स्किन को स्मूद कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन मिलता है आई क्लैरिटी का जिससे आप अपनी आईज़ की ब्राइटनेस और अपने आईज़ का कॉन्ट्रास्ट बढ़ा सकते हो। तो हम लोग अब इसका यूज़ करेंगे, तो मैं जाता हूँ पोर्ट्रेट पे और हमने ऑलरेडी स्मूद कर लिया अपने फेस को, तो हम लोग सिर्फ स्पॉटलाइट का यूज़ करेंगे। और स्पॉटलाइट बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसको थोड़ा सा कम कर दिया। देखो इतना ज़्यादा नहीं करना है, ताकि ऐसा नहीं करना है कि अलग से दिखे कि आपका फेस में आपने कुछ किया है, आपको ऐसे करना है कि वो नेचुरल दिखे। तो मैं इतना रखूँगा तो ये नेचुरल दिख रहा है। और मैं अपनी आईज़ की थोड़ी क्लैरिटी बढ़ा लेता हूँ तो मेरी आईज़ ज़्यादा शार्प दिखेंगी। फेस स्पॉटलाइट थोड़ा और कम और ये डन, ये हो गया। मेरे ख्याल से इतनी एडिटिंग काफ़ी होती है, लेकिन अगर इसके बाद भी आप चाह रहे हो कि आपके पिक्चर में आप कुछ करना चाहते हो तो स्नैपसीड में आपको एक ऑप्शन मिलता है, वो होता है सेलेक्टिव का। आपने सेलेक्टिव में क्लिक किया, आप उसको अगर अपने फेस पे रखोगे तो वो इतना फेस को सेलेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिक। एंड फिर आप अपने फेस में कुछ भी कर सकते हो, जैसे ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि थोड़ा सा आपकी पिक्चर फेस थोड़ा ब्राइट दिखे तो आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। आप चाहो तो अगर आपको लग रहा है कि फेस बहुत ज़्यादा ऑयली दिख रहा है तो आप उसका सैचुरेशन कम कर सकते हो, तो जो ऑयल जो दिख रहा होगा वो हट जाएगा, वो डिसैचुरेट हो जाएगा, तो जो बहुत ज़्यादा आपका फेस ऑयली नहीं दिखेगा। तो आप थोड़ा सा सैचुरेशन कम कर सकते हो, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और इसको ओके कर दिया। खुद ही देखो फोटो में कितना फेस में कितना डिफरेंस है, ये अभी फेस दिख रहा है एडिटिंग के बाद और ये पहले था, बाद में पहले। तो आप खुद ही देख सकते हो, आराम से अपने ऐसे फेस को एडिट किया, उसके बाद आप इस फोटो को डन करके सीधा लाइट रूम में ले जाओ और एडिट कर दो। अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन पे बताओ कि आपको और किस किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। आई विल ट्राई कि मैं जल्दी से एक वीडियो क्रिएट कर दूं जिस टॉपिक पे आपको डाउट हो रहा हो, जो आपको सीखना हो। और इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पीस।